सो हाय गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड यू वाचिंग टेक रूबर्स। एंड आज हम कंपेयर करने वाले हैं रियलमी जी टी मास्टर एडिशन को मोटो एज 20 से। दोनों ही काफी बढ़िया स्मार्टफोन हमें देखने को मिलते हैं 30,000 के अराउंड, पर जानते हैं कि बेस्ट स्मार्टफोन दोनों में से हमें कौन सा देखने को मिलता है। सर, डिस्प्ले से शुरुआत करें तो रियलमी जी टी मास्टर एडिशन में हमें 6.43 इंच का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे मोटो एच 20 में हमें 6.7 इंच का ओलेड पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। ये 10-bit एमोलेड पैनल है एंड फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो अगर दोनों में से कोई भी मुझे डिस्प्ले वाइज चूज करना हो तो मोटो एच 20 में हमें काफी अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिलता है। क्यों? एक तो ये 10-bit डिस्प्ले, यानी कि हमें 1 बिलियन कलर यहाँ पे शो करने के कैपेबल है डिस्प्ले। वहीं पे रियलमी जी टी में 8-bit पैनल देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ 16 मिलियन कलर ही शो कर सकता है। देन रिफ्रेश रेट भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का, एंड टच सैम्पलिंग रेट भी मोटो एच 20 में ज्यादा देखने को मिलता है। सो ओवरऑल आई थिंक डिस्प्ले वाइज मोटो एच 20 में एक प्रॉपर फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है एंड इट्स अ क्लियर एडवांटेज। सो अगर आपको डिस्प्ले अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो डेफिनेटली मोटो एच 20 बेटर है रियलमी जी टी। सो परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक मैं बोलूंगा दोनों में ड्रॉ होता है, बिकॉज दोनों ही एक ही चिपसेट के साथ आते हैं, स्नैपड्रैगन 778G के साथ। दोनों ही 5G स्मार्टफोन्स हैं एंड परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक मैं बोलूंगा स्नैपड्रैगन 860 जैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी, बल्कि सीपीयू परफॉर्मेंस से बेटर ही है एंड जीपीयू परफॉर्मेंस सिमिलर देखने को मिलती है। सो अगर आप गेमिंग भी करोगे तो दोनों ही स्मार्टफोनों में कोई इशू नहीं आएगा। सो परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक ड्रॉ हमें कर देना चाहिए इन स्मार्टफोन में, बिकॉज दोनों ही काफी कैपेबल परफॉर्मर है प्राइस रेंज के हिसाब से। अब ऑप्टिक्स की बात करें, यानी कि कैमरास की बात करें, तो रियलमी जी टी मास्टर एडिशन में हमें 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी मिड रेंज स्मार्टफोन में आजकल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। वहीं पे मोटो एच 20 में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलता है एंड 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। तो इट्स क्लियर कि मोटो एच 20 में डेफिनेटली एडवांटेज है रियलमी जी टी मास्टर एडिशन के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड ओवरऑल कैमरा सेटअप। क्वालिटी वाइज आई थिंक प्राइमरी कैमरा से काफ़ी सिमिलर सी क्वालिटी देखने को मिलेगी, बट एज अ कैमरा सेटअप मोटो एच 20 डेफिनेटली इज एक्चुअली अ मच बेटर पिक। एंड अगर आप 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो सो ऐसा कैमरा डेफिनेटली आप लोगों को मिलना चाहिए, बिकॉज 30,000 एक अच्छी खासी रकम होती है किसी भी स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करने की। सो आप एक्सपेक्ट भी करोगे कि एक अच्छा कैमरा सेटअप हमें देखने को। अब अगली चीज़ आती है बैटरी। सो दोनों ही स्मार्टफोन में अलग अलग बैटरी देखने को मिलती है। अगर मैं रियलमी जी टी मास्टर एडिशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, वहीं पे मोटोरोला एच 20 में हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। चार्जिंग स्पीड भी दोनों में अलग अलग देखने को मिलती है। मोटो एच 20 में हमें 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, वहीं रियलमी जी टी में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि बैटरी तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेगी, बट अगर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रिफ्रेश रेट में भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बट जो चार्जिंग स्पीड है डेफिनेटली रियलमी जी टी में काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलती है। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस में डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन किस बैटरी, कैसी बैटरी और कैसी फास्ट चार्जिंग की स्पीड चाहिए। अब बात करते हैं कि अदर स्पेसिफिकेशंस की क्या क्या अलग देखने को मिलती है। तो रियलमी जी टी में हमें रियलमी यूआई देखने को मिलता है और हेडफोन जैक की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, ये कई लोगों के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है इसको खरीदने के लिए। वहीं मोटो एच 20 में स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, लाइट वेट है एंड काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। 7 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, फिर 6.99 की बोले तो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आई थिंक मोटो एच 20 में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। देन प्राइस की बात करूँ तो रियलमी जी टी मास्टर एडिशन का प्राइस 8 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 28,000 है एंड 8 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 30,000 है। वहीं मोटो एच 20 में 8 GB 128 GB का वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 30,000 है। ओवरऑल अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो मोटो एच 20 30,000 के प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, एटलीस्ट बेटर है रियलमी जी टी मास्टर एडिशन से। ऐसा नहीं है कि मास्टर एडिशन बेकार स्मार्टफोन है, अच्छा स्मार्टफोन है, बट मोटो एच 20 में हमें काफ़ी सारे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं उस प्राइस के हिसाब से। एंड आई थिंक 30,000 में वो बेनिफिट्स हमें देखने को मिलने चाहिए, जैसे कि इसकी डिस्प्ले अच्छी है, कैमरा सेटअप हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, डिज़ाइन वाइज दोनों ही फोन अच्छे हैं, बट एज अर्गोनॉमिक्स में काफ़ी स्लीक डिज़ाइन देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल मोटो एच 20 एक बेटर स्मार्टफोन है रियलमी जी टी मास्टर एडिशन के मुकाबले।